अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होमली कुक्स। आज हम होमली कुक्स के किचन में आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1/2 kg चिकन ली है। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। 2 tablespoons मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर लिया है, आप चाइनीज सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 tablespoon मैंने यहाँ पे क्रश्ड ब्लैक पेपर ली है। 3 मेजर अदद मेरे पास यहाँ पर एग्स हैं। 1 packet मेरे पास यहाँ पर मैक्रोनी का है, आप किसी भी शेप की मैक्रोनी ले सकते हैं। केचप लूँगी मैं 1/2 cup। सोया सॉस चाहिए होगा मुझे 5 to 6 tablespoons। ऑयल मुझे चाहिए होगा 5 to 6 tablespoons। 1 cup मेरे पास यहाँ पे कैबेज है कटी हुई। 1 cup की मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च है। 1 cup मेरे पास यहाँ पर गाजर है। 1 cup मेरे पास यहाँ पे हरी प्याज है और 1 teaspoon मेरे पास यहाँ पर अदरक लहसुन है। तो चलें चिकन मैक्रोनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपने चिकन तैयार करते हैं, जिनके चिकन को हम बॉईल करेंगे और साथ ही हम मैक्रोनी को भी बॉईल करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन बॉईल करने के लिए रख दी है। चिकन में मैंने नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं चिकन को गलने तक के लिए पका लूँगी। जब तक चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाती उसके बाद हम चिकन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए यहाँ पे पानी बॉईल किया है। इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 2 tablespoons के करीब ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें ये मैक्रोनी डालकर इसको 5 से 7 minutes के लिए बॉईल कर लूँगी। सिर्फ 5 से 7 minutes हम इसको बॉईल करेंगे, हम इसको ओवरकुक नहीं करेंगे जी। तो 5 to 7 minutes हो चुके हैं मैक्रोनी को बॉईल होते हुए। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लूँगी और ऊपर से काफ़ी ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी जिसकी वजह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। ये चिकन जो है बॉईल हो चुकी थी, इसको मैंने ठंडा करके स्ट्रेट कर दिया है और मैंने एक पतीली में ऑयल डाला है 5 to 6 tablespoons। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसके अंदर। जी तो चिकन इसमें फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, गाजर, कैप्सिकम, कैबेज, हरी प्याज। हमें ओवर कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे इसमें। साथ ही मैं इसमें सोया सॉस और नमक ऐड करूंगी। 5 to 6 tablespoons सोया सॉस डाल दूंगी मैं इसमें। नमक और चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ी सी देर सब्जियों के साथ फ्राई करूंगी। इतना फ्राई करूंगी कि बस ये सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाएं, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं। और एक तरफ मेरे पास जो ये 3 eggs रखे थे मैंने इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसका ऑमलेट तैयार करूंगी और उसको भी मैं इन वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दूंगी। जैसे ये वेजिटेबल अच्छी तरह इसमें फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ इसमें क्रश्ड। साथ ही मैं 1/2 cup इसमें केचप ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ, साथ ही जो मैंने यहाँ पे 3 अंडों का ऑमलेट बना के रखा था उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। और बस हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। जी तो ये मैक्रोनी देखें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो तैयार है हमारी मजेदार सी चिकन मैक्रोनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से बनाओ।